लेकिन पावर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनेता, एक हस्ती जिन्होंने लोगों के लिए बिजनेस का साम्राज्य बनाया हुआ है और वो पिछले 3 इलेक्शन जीत कर अपने एमएलए का फर्ज निभाते हैं। उनका नाम है एसएस ग्रुप के मालिक डॉक्टर सदाशिव जी। बड़ी ही मशक्कत करने के बाद उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हामी भरी है। नमस्ते सदाशिव जी। सुना है आप राजनीति में आने से पहले अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे थे, तो वो प्रोफेशन छोड़कर आप राजनीति में क्यों आए? कारण ये है, कर्ता कर्म क्रिया ये हमारा फर्ज है, ऐसा हमारे मामा जी कहते थे। मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलकर मानव सेवा करना चाहता था। डॉक्टरी करते हुए मैंने कई मरीजों का इलाज किया, उसी तरह सैकड़ों लोगों की सेवा करना चाहता था, तो बेटर ऑप्शन था पॉलिटिक्स में आ जाओ। आशुतोष राम प्रसाद जी के मार्गदर्शन पर आप राजनीति के मैदान में उतरे और अपना काम शुरू किया, क्या आप संतुष्ट हैं? आपको मेरा चेहरा देखकर क्या लग रहा है, क्या मैं दुखी दिख रहा हूँ? मैं कितना खुश हूँ ये तो मेरी जनता से ही पूछ लीजिए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आपके गोडाउन में नाजायज तरीके से काम हो रहा है, क्या ये सच है? ऑफिस के प्यून से लेकर देश के प्रेसिडेंट तक पर आरोप लगाना ये तो लोगों के लिए आम बात हो चुकी है, इसमें अहम रोल निभाती है मीडिया। तो फिर उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है? शेर ना होते हुए भी कहते शेर आया, सिली न्यूज को हॉट न्यूज बनाते हैं आप जैसे लोग। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? रेटिंग? हमारी रेटिंग बढ़ेगी, आपकी रेटिंग का क्या? कुछ महीनों पहले आपकी पार्टी आपको मिनिस्टर बनाने का विचार विमर्श कर रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो काम उन्हें प्यारा है, मुझे मेरी जनता की सेवा प्यारी है। प्रजा के हित के बारे में जो नहीं सोचता है उसे पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। भाई, इसे पता था कि उस गोदाम में सब अपना सामान है, ये जानकर भी इसने गद्दारी की है। इसने गद्दारी नहीं की, इसने तो अपनी ड्यूटी की है। ये सीधा खड़ा रहे। सच बात तो ये है कि ये गलती उन लोगों ने इससे करवाई है। जिस कुत्ते को बांध कर रखना चाहिए उसी कुत्ते को आजाद करके रोड पे छोड़ देते हैं। वो बेचारा भोगता रहता और उसकी हालत इसके जैसे हो जाती। अब हम जिंदा रहे इसलिए इसे कुत्ते की तरह मार कर इसे मौत की घाट उतार कर हमेशा के लिए आजाद करना हो। अरे आ जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? ईमानदारी के चक्कर में बेचारा फंस गया, अब भगवान के चरण में ही इसे जगह मिलेगी। ओ वेरी लकी फेलो। अरे ये तुम क्या लिख रहे हो? मैंने तुम्हें कौन सा नंबर दिया था और तुम क्या लिख रहे हो? अरे मैंने क्या गलत किया? 9, 4 बार 1, 3 बार 2, 2 बार 3, यही तो नंबर था। 2 बार 3 नहीं यार, 2 के बाद 3। अब पता नहीं ये किस बेवकूफ का नंबर है। काजल हंसी का ये हीरो बनने के चक्कर में हमेशा जीरो बन जाता है। हेलो, कौन है जी? मैं हूँ अनुष्का जी। अनुष्का कौन जी? वही जो सबके दिल की रानी है। तुम आज फ्री हो क्या? कोई काम है तो बोलिए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे वाह, तो फिर मेरे घर आ सकते हो क्या? क्या कहा, तुम्हारे घर में आओ, कोई जरूरी काम है क्या? आ जाओ ना, बहुत जरूरी काम है। बस अभी आ जाओ। वो क्या है ना, मैं घर में अकेली हूँ। अभी आऊँ? दिन के उजाले में किसी ने देख लिया तो बवाल पक्का, शाम को आना बेटर है। शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम क्या देखोगे और क्या करोगे? तुमसे नहीं होगा तो बता दो, मैं किसी और का इंतजाम कर लूंगी। नहीं, किसी और का इंतजाम मत करो, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ अनुष्का। तो ये पक्का रहा कि तुम आओगे और मेरा काम कर दोगे? अगर तुम मुझे खुश कर पाए तो मैं भी तुम्हें खुश करूंगी। देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हें सच में खुश कर दूंगा। एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। अरे वाह, जो सुनना चाहती थी वही कहा। अच्छा, जल्दी आकर क्लीन कर दो ना, मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या क्लीन करूंगा मैं? हमारा सेफ्टी टैंक, इसलिए तुम्हें फोन करके बुला रही हूँ। सेफ्टी टैंक? मुझे सेफ्टी टैंक साफ करने वाला समझ रही हो? अरे ओ रॉन्ग नंबर अनुष्का, उसी सेफ्टी टैंक में कूद जा, तैर या फिर डूब के मर जा, लेकिन दोबारा मुझे फोन मत करना। इसकी तो ए दीवाना, एक कटिंग देना। ए चल निकल। आप, 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 लगता है उधार बहुत ज्यादा हो गया। ओ, ओ भाई संदीप भाई। वो देख मेरे नंबर की कैसी वाट लगा रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है, उधर भी देखना यार। लेकिन तेरे पे सूट कर रहा है यार। इसीलिए उस रॉन्ग नंबर अनुष्का ने मुझे फोन किया था, कहाँ फंस गया मैं।
उस बच्ची के बाप से तू रेस हार जाएगा क्या? Let's go. बाय बाय प्रिया, यू आर द विनर, यू आर द लूजर. भाई साहब सुनो, ये बलून कैसा दिया? अच्छे से जानता है कि मैं एक बार कदम आगे बढ़ाता हूँ तो फिर कभी पीछे नहीं हटता. वैसे तो क्या करने जा रहा है? और क्या करूंगा, विनम्रता से समझाऊंगा. पाओगे रमेश बाबू. तुम्हें अच्छा लगा? क्या अच्छा है इसमें? तुम्हारी बातें सुनकर हीरो नहीं बेकार कमेडियन ही पटेगा. ऐसा क्यों? पूरी फीलिंग डाल दी थी. आजकल के लड़के बोल बच्चन से नहीं पटते, बस दिखाने से पटते हैं. क्या दिखाने से? लड़कों को खुले बाल पसंद आते हैं, इसलिए बालों को मत बांधो. जब किसी लड़के की नजर यहाँ पर पड़ेगी तभी तो फिसलेगा. तुम्हारे होठों को ऐसा रसीला बनाओ जैसे कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो. तुम अगर किसी आशिक की ख्वाहिश रखती हो तो अपनी इन आँखों से तीर चलाना, पर होठों से एक लफ्ज ना निकले वरना हो जाएगा पंगा. ए इस तरफ घूम. लड़कों की नजर एक बार कमर पर जरूर पड़ती है, इसलिए इसे मटकाते रहो. अब लग रही है तू कश्मीर की कली. इतनी खूबसूरत लड़की पर बताइए भला कौन नहीं फिदा होगा. इस नगीने को तो मैंने तराश दिया, अब कोई अंधा भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाएगा. ठीक है तुम जाओ, वो मुझे मिस कर रहे होंगे. तुम जाओ, मैं साथ नहीं चलने वाली. प्लीज एक बार साथ चलना. प्लीज प्लीज तुम आगे जाओ, ड्रेस चेंज करके आती हूँ. तू खामोश खड़ा रहेगा तो मुझे क्या खाक समझ में आएगा? अगर कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. ये कैसा एड़ा है? आप एड़े हो, आपसे ज्यादा होशियार. तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल. ये क्या है, तू इतना बंधन के किससे मिलने जा रही है? पति से मिलने. अरे तेरी तो अब तक एंगेजमेंट नहीं हुई और पतिदेव बन गया. जानू तुम भी तो मुझे एंगेजमेंट से पहले मिला करती थी. तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है. तू बत्तीसी मत दिखा. बेटी जरा बताओ एंगेजमेंट का एडवांस दे दूं क्या इसे? हाफ एन आवर के बाद बताएंगे. हाफ एन आवर में कन्फर्म होगा. मैं इंतजार करता हूँ. ये साउंड कैसा है माँ? कोई कुत्ता छींक रहा होगा. सवेरे तो मैं उसे रोटी दे चुकी हूँ. रुको मैं भी आई. अरे माँ तू यहाँ कब आई? कब आई ये जानने की जरूरत नहीं है. क्यों आई हूँ ये जानना ज्यादा जरूरी है. मुझे कुछ नहीं जानना. ए तू जाती है कि नहीं? चली जाऊंगी. पहले ये बताओ हमारी मैरिज कब होगी? मैरिज तेरे से? सपने मत देख चल. ओ तुम हो. अहो मुझे लगा वो कुत्ता छींक रहा है. ए जी मुझ में क्या कमी है? क्या है कि तेरे में कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है. एक्चुअली मैं तेरे लायक नहीं हूँ. किसी और से तो प्यार नहीं करते ना तुम? मुझे सच्चाई बतानी होगी. अब कौन है? मैं हूँ यार तेरा दोस्त. अरे यार कोई भी बात दिल में छुपा कर रखने से आगे प्रॉब्लम होती है. स्वीट इसका पहला प्यार है. मन में स्वीट सा जलेबी बना. स्वीटी इसकी जान है. एक नहीं दो दो बना.
अच्छा तो ये बात है। क्या बकवास कर रहा है? एक तरफ मुझे सजाती है और मेरे ही बॉयफ्रेंड पे डोरी डालती है। आशा, मुझे तुम्हें निराश करने का कोई इरादा नहीं था। फिर ये नाटक किसी और को दिखाना। रुक जाओ, अभी जाकर पापा को बताती हूँ। अबे भाई भाई, वो मेरी जान है। ऐसा मैंने तेरे से कब बोला? भाई तू ही तो कहता है तू स्वीट के पीछे पागल है। मैं उस स्वीटी की बात नहीं कर रहा था यार, मैं तो एक्चुअल मिठाई की बात कर रहा था। सोचता हूँ तो भी डर लगता है यार। अरे यार, उसे सब कुछ पता चल गया यार। क्या पता चल गया? सब कुछ पता चल गया। अरे लगता है आज मैं क्या, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? वैसा कुछ नहीं, एक्चुअली बात यह है कि तुमने दिल की बात कह ही दी। क्या रे, तू हीरो है जो सबको मारता फिरता है? मैंने तो किसी को नहीं मारा। या आपको किसने बताया? क्यों, जिसने बताया उसे भी मारेगा क्या? जरा अपनी हरकतें तो देख, मुझे तो शक हो रहा है तू मेरा बेटा है भी कि नहीं। इसका मतलब आपने अपने सगे बेटे को नहीं पहचाना मिस्टर बाबूराव। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप मेरे माँ बाप है ना। अब आप तो शायद मेरी जबरदस्ती शादी करवा दें। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत दूर जा रहा हूँ। I'm going. मेरे भाई, सुन। सॉरी सॉरी बेटा। मिस्टर बाबूराव, आपका लाडला घर छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। नहीं बेटा, रुक जा, मेरी बात सुन बेटा। मैं रुक जा बेटा, तू चलकर कैसे जाएगा? अगर मुझसे इतना प्यार करती हो तो कम से कम मुझे गाड़ी की चाबी तो दे दो। अभी लाती हूँ। ये क्या बेटा, बैग वैग लेकर कहीं घूमने जा रहे हो क्या? यहाँ जिस मकसद से आए हो वो बात करो। बेटा, इसे छोड़कर उसे पसंद किया कोई खास वजह? क्योंकि मैं उससे ज्यादा क्यूट हूँ इसलिए। वो सब ठीक है, तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुझे थप्पड़ लगाने। ये मेरी होने वाली फैमिली है, इसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तेरी फैमिली है? ये कब हुआ बेटी? अभी अभी आंटी, थोड़ी देर पहले ही फिक्स हुआ है। देखा आपने, आपके प्यार का नतीजा हो गई नौटंकी। डैडी। क्या है बेटी? लाओ ये एक पेटी। ये रख लो तुम्हारे खर्चे के लिए। ए, चलाट। इसे मैं रख लेता हूँ, लक्ष्मी की बेइज्जती नहीं करते हूँ। ये लो गाड़ी की चाबी। ओके थैंक्स, बाय। संभल कर जाना। हाँ, संभल के जाऊंगा। अरे ये तो गाड़ी लेके चला गया। अरे मैं अपने ऑफिस कैसे जाऊंगा।